स्ट्रेच मार्क्स जो देखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं और इसी वजह से आप शायद अपने फेवरेट कपड़े भी नहीं पहन पाते हैं। कई सारी लड़कियां स्लीवलेस पहनना बंद कर देती हैं, बैकलेस ब्लाउजेस भी नहीं पहनते और शॉर्ट्स भी नहीं पहनते, बिकॉज स्ट्रेच मार्क्स देखने में अच्छे नहीं लगते। लेकिन ये स्ट्रेच मार्क्स क्या होते हैं? वेल, स्ट्रेच मार्क एक ऐसा स्कार है जो तब होता है जब स्किन रैपिडली स्ट्रेच होती है और उसके बाद तुरंत श्रिंक हो जाती है। तो कोलेजन और इलास्टिन में चेंज होता है, स्किन रप्चर होती है और जैसे जैसे स्किन हील होने लगती है वो एक स्ट्रेच मार्क बन जाती है। और स्ट्रेच मार्क्स की जो समस्या है वो अधिकतर महिलाओं में देखी जाती है। अच्छा, अब ये स्ट्रेच मार्क्स क्यों होते हैं? प्रेगनेंसी के बाद अक्सर महिलाओं में स्ट्रेच मार्क्स की समस्या देखी जाती है, अपर एब्डोमेन में या फिर थाई एरिया में या फिर लोअर बैक में। उसके अलावा अगर आप बहुत ज्यादा मसल ट्रेनिंग करते हैं, जिम जाते हैं, तो तब भी आपको स्ट्रेच मार्क्स की समस्या देखने को मिल सकती है। प्यूबर्टी में भी ये समस्या देखने को मिलती है। सो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जब आपको स्ट्रेच मार्क्स हो सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा अगर हम स्ट्रेच मार्क्स के ट्रीटमेंट की बात करें, सो मेडिकली तो कई सारे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। केमिकल पील्स आते हैं और रेडियो फ्रीक्वेंसी है, उसके अलावा कई सारे लेज़र, माइक्रोडर्माब्रेजन और माइक्रो नीडलिंग है जो कि स्ट्रेच मार्क्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल मानी जाती है। लेकिन शायद आपको ये बात नहीं पता होगी कि अगर आप वर्कआउट करते हैं या फिर अगर आप प्रेग्नेंट हैं, अगर आप अपना पानी का इनटेक बराबर रखते हैं ना, तो आपको स्ट्रेच मार्क्स नहीं होते। क्योंकि जब भी आपकी स्किन रप्चर होती है या वो खिंचती है, अगर आपकी बॉडी में सफिशिएंट पानी है तो हीलिंग होते टाइम आपकी स्किन में कोई निशान नहीं रहता है। स्पेशली वेट ट्रेनिंग अगर आप करते हैं, आप पुरुष हैं, स्त्री हैं, तो अपने पानी का इनटेक आपको बराबर रखना है। ऑल्सो स्पेशली ड्यूरिंग द वर्कआउट मेक श्योर कि आप हमेशा एक ट्रेनर के सुपरविजन में ही हैवी वेट ट्रेनिंग करें ताकि आपको हर चीज सही से गाइडेंस भी मिलती रहे। एंड स्पेशली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्यूबर्टी या फिर अगर आप जिम में वर्कआउट करते हैं, अपना मॉइस्चराइजर अच्छा रखें, यानी कि आप उसे रेगुलरली लगाएं ताकि ऊपर से भी आपकी स्किन ड्राई ना हो और आप पानी पी रहे हैं तो अंदर से भी आपकी स्किन हाइड्रेटेड रहेगी। उसके अलावा अगर आपको स्ट्रेच मार्क्स ऑलरेडी हो चुके हैं तो आप एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। एलोवेरा जेल से स्ट्रेच मार्क्स हल्के हो जाते हैं। उसके बाद नारियल तेल भी स्ट्रेच मार्क्स को हल्का कर देता है एंड शुगर एंड ऑलिव ऑयल भी एक एक्सफोलिएटिंग एजेंट है और उससे भी धीरे धीरे स्ट्रेच मार्क्स कम हो जाते हैं। साथ साथ बादाम का तेल भी स्ट्रेच मार्क्स को कम करता है एंड बेकिंग सोडा जो कि एक नेचुरल एक्सफोलिएटर है वो भी स्ट्रेच मार्क्स कम कर देता है। वेल, ये सारे स्ट्रेच मार्क प्रिवेंटिंग टेक्निक्स आज मैंने आपको बताए हैं और अगर हैं तो कैसे उन्हें कंट्रोल करना है। आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर ऐसे वीडियोज आप और देखना चाहते हैं सो ट्रेंड्स 9 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।